पंजाबी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले 130 करोड़ का बकाया, जल्द जारी करने के आश्वासन के बाद आढ़तियों ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। मानसा की मंडियों में गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे किसान, आढ़तियों की हड़ताल वापस लेने के बाद लौटी रौनक। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को जानकारी देते हुए बताया पंजाब के पास सिर्फ 5 दिन का कोविड वैक्सीन कोटा बचा। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादोवाल ने कोर्ट का पूरा गोलीकांड मामले की एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जताई निराशा। कोर्ट का पूरा गोलीकांड में एसआईटी की जांच को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार दुखी, एसआईटी की जांच मुकम्मल होने से साफ मिलने की उम्मीद जगी थी, अब परमात्मा ही करेंगे फैसला। बठिंडा में गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर विजिलेंस, फूड सप्लाई विभाग की कार्रवाई, मौके से 25,000 अवैध गेहूं की बोरियां बरामद। संयुक्त किसान मोर्चा ने कैंपे एक्सप्रेस वे को किया जाम, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के महासचिव सरवन सिंह बंधेर ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार किसानों और आढ़तियों में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती। पंजाब के मशहूर कलाकार सतीश कौल का कोरोना से निधन, लुधियाना के अस्पताल में चल रहा था इलाज। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने दिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने के संकेत, कहा सीएम से विचार विमर्श करने के बाद तय किया जाएगा नाइट कर्फ्यू का फैसला। हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने लगवाई कोविड वैक्सीन, कहा वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर चौधरी सतवीर सिंह का देहांत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हृदय गति रुकने से हुआ निधन। कुरुक्षेत्र में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने के एप्स में सालाना फीस की मांग की। जालंधर के ओल्ड रेलवे रोड स्थित डाकखाने वाली गली में शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी, महिला के पति को हिरासत में लिया गया। जालंधर में किडनी की बीमारी से जूझ रही महिला को व्हीलचेयर पर बैठाकर डीसी ऑफिस पहुंचा पति, निजी अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज नहीं करने का लगाया। बैसाखी पर पाकिस्तान से गुरुधामों की यात्रा के लिए रवाना होने वाला 437 सिख तीर्थयात्रियों के लिए अमृतसर के एसजीपीसी दफ्तर में मेडिकल कैंप लगाया गया। हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद एक बार फिर से मंडियों में रौनक लौट आई है। पलवल में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किए गए केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम करने के ऐलान का असर देखने को नहीं मिला। दरअसल किसानों ने एक दिन पहले बैठक करके फसलों की कटाई के समय को देखते हुए जाम नहीं करने का फैसला लिया। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के गंभीर आरोप, कहा विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं नागरिक। असम में कांग्रेस को प्रत्याशियों के बागी होने का भय, चुनाव नतीजों से पहले जयपुर के होटल लाए गए विधानसभा चुनाव के 17 प्रत्याशी। गृहमंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी के गंभीर आरोप, कहा शाह पर अंकुश लगाए मोदी, वो राज्य में दंगे भड़का सकते। हमीरपुर जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही लोगों से अपील की कि बिना किसी झिझक के प्रशासन से कोविड संबंधी जानकारी साझा करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। शिमला के पैटर्न कारोबार पर कोरोना की मार, शहर के अधिकतर होटल पड़े खाली। 5 दिनों से बंद मनाली लेह हाईवे पर स्नो क्लियरेंस का काम जारी, 72 घंटे में यातायात के लिए बहाल होगा NH6। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,993 नए मामले, अकेले मुंबई में रोजाना 9,000 से ज्यादा केस। नॉर्वे ने कोरोना के नियमों को लेकर दुनिया के सामने पेश की मिसाल, कोरोना के नियम तोड़ने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर 1,75,000 रुपये का जुर्माना लगा। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली शूटर मनु भाकर को बधाई दी, शूटर मनु भाकर अपने अभिभावकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। हिमाचल के बिलासपुर से शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले को लेकर तैयारियां शुरू, 13 अप्रैल से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, दुकानदारों को अच्छी आमदनी की उम्मीद।